अभी कैमरे में मैं ज्यादा पलटे पुलटे नहीं मारूंगा। नहीं नहीं इजी है, लेकिन वो थोड़ा सा भी अपने जिस्म को भी तो छुपाने सही हो गया। ऐसा कैसा लग रहा है? अच्छा चलो आप उठ जाओ। ले तो व्यूअर्स, मैंने इनको लगा दिया पंप। अच्छा, इनको पता नहीं था कैसे लगाना है। अब ये बाहर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेबो की रोशनी। तो जैसे कि मैंने आप सबको बताया था कि हमारे चैनल के ऊपर आप सबको कुछ ना कुछ डिफरेंट करते हुए हम आप सबको नजर आएंगे, और जब हमें लगेगा कि कुछ जरूरी है जो व्यूअर्स के साथ शेयर करना है वो करेंगे। मतलब रेगुलर घर की रूटीन जो है वो नहीं दिखाएंगे। तो सीन कुछ ऐसा ही है, जैसे आपके सामने मेरे कुछ एक दो व्लॉग्स ऐसे आए भी हैं कि जो पहले वालों से चेंज थे, और अब इंशाल्लाह आगे आगे आप देखेंगे कि और बहुत ज्यादा चेंजिंग आने वाली है। और अभी हम आपको बताने वाले हैं कि पाकिस्तान में आपको कौन सी एक बहुत बढ़िया और बहुत खूबसूरत चीज मिल सकती है, हमारे थ्रू भी मिल सकती है, नेट के ऊपर भी आप सर्च करें तो वहां से भी आपको मिल सकती है, जो कि हमने भी मंगवाई। और हमने क्या मंगवाया है वो आप सबको अभी हम दिखाने वाले हैं, आपके सामने हम खोलेंगे। ये बॉक्स जो है इधर करो, इधर करो, इसको काफी वजनी है। काफी वजनी है। जब भी आपने पिछले व्लॉग में देखा होगा कि मैं लेके आई थी, मैं गई थी फैजाबाद, मैंने कहा था ये कराची से मेरा एक बॉक्स आया, तो पाजी ने बड़ी मुश्किल से ओ ये तो उठाया जा रहा है। पप्पू उठा के देख जरा कितना वजन है इसका, उठा जरा उधर मुंह करके उठा रहा, तो लोगों को पीठ दिखा रहा है, चल ला इधर, मुझसे तो नहीं उठाया जा रहा था। अगर मैं तो उठाऊंगी तो लाजमी मेरी कमर में जो दर्द है वो बढ़ जाएगी। अच्छा तो ये हमने जो है वहां से फिर लिया, फिर मैं लेके घर आई, तो अब मैंने सोचा कि इसका पूरा जो है ना प्रॉपर आज इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे और पूरा इसका रिव्यू भी करेंगे। और ओपन अभी हमने किया, इससे पहले हमने ओपन नहीं किया, और इसके अंदर क्या खास है। एयर मैट्रेस पाकिस्तान में अवेलेबल है, मैं यकीन जाने काफी अरसे से मैं ढूंढ रही थी, जैसे कि मैंने सोचा था कि हमने कैंपिंग करनी है, और कैंपिंग के लिए आप कहीं पर भी जाते हो तो लाजमी आपको कैंप के अंदर मैट्रेस की जरूरत होती है, क्योंकि ऐसे जमीन के ऊपर लेटना थोड़ा मुश्किल होता है, कोई भी इंसान हो उसके लिए मुश्किल होता है, क्योंकि जमीन जो है लगेगी, कोई रोड़ा वट्टा ऊंची नीची हो सकती है, तो उसके ऊपर अगर आप मैट्रेस डाल लो तो क्या ही बात है, कैंप का मजा जो है ना वो बिल्कुल पूरा आ जाता है, फिर आप घर जैसा फील करोगे। होगा कैंप लेकिन आपके साथ जब सब चीजें होंगी, खास तौर पे मैट्रेस, बिस्तर हम कंबल कैरी कर लेते हैं, पीलो कर लेते हैं, कोई भी कुशन रख लेते हैं, लेकिन मैट्रेस, अगर ये वाला मैट्रेस कैरी करना बहुत मुश्किल है, जिसको हम कैंपिंग के लिए नहीं लेके जा सकते। जैसे कि हमने कार के ऊपर जाना है, या हम किसी लोकल ट्रेवल बस के ऊपर, वैन के ऊपर जा रहे हैं, तो वो सब जो है बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है तो ये देखिए, आप देखिए छोटे से पैकेट में पूरी निकाल जरा, मतलब ये एक छोटा सा पैकेट आपके सामने बन जाता है आपके एक में। अच्छा ये बड़े वाला है, निकालो निकालो, ये बड़े वाला था आपके ऊपर उन्होंने रखा है ना। आई मेरा नाखून पे लग गया बड़ी जोर से। अच्छा इसको साइड पे रख। अच्छा ये बड़ा है, ये पूरा डबल बेड है। ठीक है ये भी आपको दिखाएगी, ये दूसरे वाला भी निकाल, ये है सिंगल बेड का, वो भी निकाल लेना बाहर एक बार सारी चीजें, फिर हम आप सबको दिखाते हैं। ये भी निकाल लो, एक एक करके निकाल लो सारे। और हम आपको ये भी बताएंगे कि हमने कहां से और कैसे मंगवाए हैं, और अभी हमने ये ओपन किए, इससे पहले हमने ओपन नहीं किए। ये ब्लू वाला उठा इधर जरा, ये वाला, हाँ ये वाला उठा आपके सामने, आप अभी अभी इनको ओपन कर। अच्छा इसका वजन कम से कम जो ना 3 किलो होगा, देख जरा तेरा तो अंदाजा सही है, मेरा शायद गलत हो सकता है, वजन वजन उठाते रहे तो कितना होगा, 3.5 इधर तक। हाँ अच्छा इसका जो वजन है 3.5 किलो होगा, ताकि आप इसको अगर ट्रैवल कर रहे हैं, अपने साथ इसको ले जाना चाहते हैं, जैसे कि बाइकर भी ट्रैवल कर रहे होते हैं, अगर कोई बाइकर भी इसको ले जाना चाहता है तो वो अपने आराम से बाइक भी इसको कैरी कर सकता है। अगर आप लोकल ट्रैवल कर रहे हैं तो इसको आप लोग जो है ना अपने बैग के अंदर रख सकते हैं, जो अपने कपड़ों के लिए बैग रेडी किया है उसके अंदर भी रख के ले जा सकते हैं। ठीक है नहीं तो आप इसको किसी शॉपर में डाल लें, हाथ में पकड़ लें, अगर आप अपनी गाड़ी में जा रहे हैं फिर तो क्या ही बात है। तो अभी हम इसको ओपन भी करेंगे, तीनों के तीनों हम आपको दिखाने वाले हैं, दिखाएंगे उसके बाद इसकी कीमत भी बताएंगे, और ये भी बताएंगे कि आप इसको कहाँ से ले सकते हैं, मंगवा सकते हैं। मुझे बहुत शौक था और मैं काफी अरसे से सोच, खोल इसको, कि हमें एयर मैट्रेस मिल जाए ना,
तो आखिरकार हमें मिल गया एयर मैट्रेस, ऐसे बिछाओ इसको। तो भाई यहाँ पर नीचे हमने चटाई बिछा रखी है जिसके ऊपर हम इसको ओपन करेंगे। ऐसे कर लेते हैं, ऐसे ना, ऐसे बिछाओ। हाँ इस तरह नहीं आएगा, ऐसे बिछाओ इसको। तो ये आप देख सकते हैं कि ये पूरा जो है ना, पहले ये चीजें इधर कर साइड पे पप्पू, ये साइड पे, ये पूरा सिंगल बेड जितना है, मतलब इसके ऊपर दो लोग सो सकते हैं, स्मार्ट स्मार्ट ना, जैसे कि हम इसके ऊपर लीजा और उसकी मम्मा सो उसकी मम्मा सो जाएगी, पप्पू और हमजा इसके ऊपर सो सकते हैं दोनों, मैं और जीम सो सकते हैं इसके ऊपर। वो पंप निकाल जरा। अच्छा वो पंप कैसे लगाना है वो भी जरा बताना है, वहां से जब लगाओगे ना। अच्छा ये जब वहां से लगाएगा फिर इसको देखना जरा। अच्छा ये पंप भी उन्होंने दिया है साथ में, लेकिन ये हमने खुद बाय किया है, मतलब ये उनके साथ नहीं था। उन्होंने कहा था कि ये पंप आप, उन्होंने हमसे पूछा था, चॉइस थी कि आपने पंप वाला लेना है मशीन वाला लेना है, तो हमने सोचा कि जो मशीन वाला है वो लगाने के लिए मतलब बिजली की प्रॉब्लम रहेगी, तो इसलिए हमने सोचा कि पंप वाला सही। ये है कि थोड़ी सी मेहनत के बाद छुछ छुछ करके इसके अंदर हवा भरी जाएगी। और अच्छा ये पता है अभी अभी राम राम से हो रहा है ना, जब उसमें लग जाएगा ना फिर थोड़ा सा जोर लगाना पड़ेगा। अच्छा ये वाला लगाना है, ये देख लगा के जरा लगा उधर, देख लगा के ये, हाँ ये लगा उधर। हाय मोटे आज पता चलेगा, ये इधर, हाँ इसमें लगाना है इधर, वो देखो जगह बनी है ना यहाँ पे, नहीं इधर इधर जिधर डब्बी यहाँ पे लगना है मेरे ख्याल में, डब्बी खोल। अच्छा आप देख लो ना जरा आके, क्योंकि हमने ना लगाया पहले ना, हमने देखा भी अभी आप सबके सामने लगा। मैनेजर ये है, मैं अरे यार वहां कटन वाला, ये बंद कर बंद कर बंद कर, ठीक है जी ये वहां निकाल पड़ा डब्बा है, ताकि इसको खोलो तो फौरन से हवा निकल जाए, यहाँ पे लगेगा, खोलो इसको, ठीक है। अच्छा ये दिखाओ जरा करीब आके ना, ताकि सबको पता चले, दिखा रहे पप्पू, हाँ ऐसे इसको बाहर ले आओ, पप्पू कर लेगा कर लेगा। पप्पू ने क्या सी फुफो जी असि कर लांगे, तुसी मंगाओ मैट्रेस, असि उते सोवांगे कि मैं टेढ़े मोटे ते थल्ले पासे नु दर्द होएगी, फिर एवे सोन नाल दे ऐसे लग, चल जल्दी कर मोटे, लगना ऐसे लगना, लग जाता कोई नहीं टेंशन, हमारे व्यूअर देखेंगे बड़े आराम सुकून से, वो एंड तक देखेंगे, ऐसी बात नहीं। इधर दिखा मैं लगाऊ, मुझे दिखा, मुझे दिखा मैं लगाती हूँ भाई, लगा लोगे पप्पू, मुझे दिखाओ मुझे, इधर लाओ, अब ये बाहर रहे हैं, अब इसमें लगेगा घंटा, घंटा नहीं लगेगा, मतलब ये चीज बहुत इजी है, इसके ऊपर ज्यादा जोर नहीं लग रही है, देखें मतलब जैसे कि मैं बैठी रहती हूँ, मैं बैठ के हर काम करती हूँ, तो बच्चे अगर कुछ और भी कर रहे हैं और साइड पे जाके कैंपिंग के लिए कैंप जोड़ रहे हैं, बर्तन निकाल रहे हैं, तो इसको मैं ऐसे बैठी बैठी ये भी करती रहूंगी, तो समय लगे ऐसे हाथों तो, चलो की, अब ये अभी जब बार लेंगे इसके बाद मिलते हैं, पता कितना टाइम लगेगा। पप्पू ऐसे फैल जरा इधर फैल। अच्छा दूसरा तरीका बता दो, ऐसे नीचे इसको रखना है पप्पू, रख इसको, वो तो लोगों को पता है, पाँव को नीचे रख के ऐसे, ये जल्दी जल्दी फटते जाना, ठीक है पप्पू सही मैनेजर है। खैर अभी हम इसको फिल करते हैं, हवा फिर आपको दिखाते हैं। व्यूअर्स ये देखे मेरा मैनेजर शहजादा कहता है जी मैं वहां भरूंगा, कैंपिंग जब करनी मैं साथ जाऊंगा, वहां पे वहां भर रहे हो तो देखे व्यूअर्स को बताओ ना, जोर तो नहीं लग रहा, बस हो गई है, इतना नहीं लग रहा, थोड़ा लग रहा है, तो ये देखे काफी ज्यादा ये फूल चुका है। असल जरा इसको दिखाओ मैटर को, ये देखे, और ये काफी मोटा है, ये ब्रीक नहीं है, मैं तो समझी थी शायद इसका वो था ना थोड़ा सा मोटा होगा, लेकिन ये तो काफी है, लेकिन अभी हम इसमें वहां बनेंगे, अभी थोड़ा लूज है। ले जी अब आप भर ली है, हाँ जी ये पड़ा हुआ है मैनेजर हमारा, मैनेजर छलांग लगाओ जरा इसके ऊपर, चलो लगा के दिखाओ, लो जी उतर जा बहुत ही अच्छा लगा, लिया है नवा नवा है पाड़ना नहीं। अच्छा व्यूअर 2 मिनट लगे टोटल टाइम देख के, 2 मिनट के अंदर इसमें वाफी लोगी और बहुत इजी था, जरा सा भी जोर पप्पू नहीं लगा, हाँ ये मजे का इजी था, जोर नहीं लगा, अभी तो ये भी पड़े हुए हैं, अभी ऊपर चढ़ के दिखाएगा आप लोग ऊपर लेट के, या अल्लाह खैर, ओए होए होए, कोई लिफा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, एक होता है ना कि मतलब ये लिफ जाए और पेट तेरा नजर आ रहा है, नीचे भी नहीं बैठा आपके सामने, ये मैट्रेस देख ले, ये देख, तो भाई जिसने ये मैट्रेस भेजा है थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने ये मैट्रेस हमें बचवाया, हमने उसे लिया, तो कैसे कैसे हमने लिया वो फिर डिटेल में आप लोगों को बताती हूँ,
तो मैट्रेस हमें मिल गई और माशाल्लाह से ये वाला मैट्रेस बहुत जबरदस्त है, बहुत अच्छा है। अब हम यूज करेंगे तो फिर पता चलेगा कि ये कितना टाइम निकालता है। मुझे लगता है कि ये लॉन्ग टाइम चलेगा। कोई नहीं, एक टूर भी ये निकाले ना 3 महीने के, आप अगर टूर कहीं ले जाते हैं महीना 2 महीना आप इसको यूज कर लेते, मैं कहती हूँ फिर भी बहुत है, बहुत है। क्योंकि ऐसी चीज मतलब ये एक समझे कि एक वो प्लास्टिक ये पैराशूट सा जो जिस चीज का भी ये बना है, मजबूत भी है, सही वजनी है। मैं भी जरा उतना अपना वजन पाके अल्लाह को याद कर। सदना बड़ा बड़ा टाइट है ये, बड़ा ये लिफने वाला नहीं है, ठीक है। तो ये मेरा नहीं है, ये भी मैं बता दूं कि ये मेरा नहीं है। अम्मी का ये वाला है, ये जो बड़ा पड़ा हुआ है, ये ब्लू वाला, ये बड़ा है अपने साइज के हिसाब से। ये बच्चों का। अच्छा उसका ये है ना कि वो बैठ जितना यहाँ इतना, वो हम खोल लेंगे और उसके ऊपर लेट के भी आपको दिखाएंगे, बैठ के भी दिखाएंगे, क्योंकि इतना नीचे बैठ के मैं उठ नहीं सकती। चले अब इसके बाद डायरेक्ट वो वाला आपको उभार के दिखाते हैं और इसकी हवा भी निकालनी है हमने। चलो वो भी निकालेंगे, फिर आपको ये भी बताएंगे कि कैसे कहाँ से लेना है और ये हमने कितने कितने के लिए। अभी उसको हम फिल कर ले, फिर आते हैं। ले व्यूअर्स, ये हमने खोल लिया है बड़े वाला मैट्रेस, अब इसको वहां भरते हैं। और ये तो काफी बड़ा है, ये तो डबल बेड और ऊंचा फुल। अब इसको बाहर रहा पप्पू, अब इसमें देखो कितना टाइम लगता है। मुझे टाइम नोट करना है कि कितने टाइम में भरेगा, ठीक है। ये ले तो व्यूअर्स, तो व्यूअर्स ये देखे, ये फुल, ये देखे, मैं चेयर पे बैठी हुई हूँ, यहाँ पे हमारा वो सिंगल बेड है और उस बेड से ये भरा हुआ 2 इंच ऊंचा है, ठीक है जी। मतलब ये पूरा जैसे आपके घर में डबल बेड होता है, डबल बेड है, साइज भी डबल बेड का है, ठीक है। एक और ये जो ऊंचाई है वो भी डबल बेड जितनी है। ये देखिए ना, हम बैठे हुए हैं, हमारी ये हाइट की, ये देखिए घुटनों से ऊपर आ रहा है ये घुटनों से, ये देखिए ये इसकी लेंथ है टोटल, नीचे से लेके ना ऊपर तक। मतलब ये पूरा अब है कि ये इन तीनों ने इसके ऊपर लेट के देख लिया है। मैंने कहा वीडियो बनाओ तो असद कह रहा नहीं, उसने निकर शर्ट पहनी है, जीम भी अभी लेटा हुआ था, पप्पू भी लेटा हुआ था। अब बारी है मेरी, क्योंकि ये डबल बेड है मेरा। तो आप लोग इतना अंदाजा लगा लो कि ये डबल बेड लेके मैंने कैंपिंग करनी है। हाय हाय, बर्फ के ऊपर ये बेड पड़ा, ऊपर मैं ऐसे सो रही हूँ, कैसा फिर पप्पू? और ऊपर से लीक हो जाए। क्यों लीक हो जाए? ना लीक, ना लीक क्या भी बंदोबस्त है, चेपी है, अगर किसी जगह से ये लीक होता है तो वहां पर आप उस चेपी को जरा सी तार के लगा सकते हैं, वो चेपी जहां लग जाएगी ना उतरनी नहीं है। चलो बैठ के दिखाओ इस पे। दिखाती हूँ। तो आप लोगों को कैसा लगेगा? अब हम ये चीजें लेके कैंपिंग करने जाएंगे, तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों में इसको शेयर करो। हम आप लोगों को अपनी न्यू जर्नी और डिफरेंट व्लॉग दिखाने वाले हैं। आप अंदाजा कर ले कि हम कितना खर्चा कर चुके हैं, इतने अरसे से हम सामान इकट्ठा कर रहे थे, आस्ता आस्ता हमारा बहुत सामान इकट्ठा। अब तो मेरे ख्याल से पूरा हो गया सब। अब तो पूरे घर का सामान जो है ना, पूरे घर का सामान हमारे पास जो है गाड़ी में हम लेके जा सकते हैं। पूरा अपना घर, मैट्रेस, बेड, चेयर, चूल्हे, तवे, भांडे, हर चीज। क्यों मेरी मारी है? मैं तो लेटन लगी चल रही। इधर से दिखा। ये लो। वाह जी वाह, हमने जबरदस्त। अभी कैमरे में मैं ज्यादा पलटे नहीं मारू। नहीं नहीं, इजी है, लेकिन वो थोड़ा सा भी अपने जिस्म को भी तो छुपाने। सही हो गया। ऐसा कैसा लग रहा है? अच्छा है, चलो आप उठ जाओ। तो व्यूअर्स, आप सबको दिखाया जैसे कि मैं इसके ऊपर बैठी और लेटी और फिर मैं उठी, बेड उधर ही सही सलामत माशाल्लाह से बड़ा ही जबरदस्त बेड मिल गया। और इसके ऊपर मैं और लीजा, जीम भी दरमियान में। हाँ, क्योंकि उधर तो सर्दियां होनी, इसके ऊपर आप 3 जने बच्चे को दरमियान में लटा लो, हम इजीली सो सकते हैं। क्यों जीम? अगर ऐसे लेटना चाहो तो इसके ऊपर 4 लोग भी सो सकते हैं, लेकिन नहीं, इसके ऊपर वजन जो है मेरे ख्याल में 200 kg तक मेरे ख्याल में उन्होंने बताया था, ठीक है। तो चलो 150 मेरा तो 50 किलो का कदा विच बच्चा सुट ला करांगी नाल। ये अच्छा। जो साथ बच्चा बैठा है तो मेरे से ज्यादा वजनी है। हाँ, ये तो इससे ज्यादा वजनी है। अच्छा, तो अब आपको थोड़ा सा जरा बताते चले कि हमने कहाँ से और कैसे मंगवाया। भाई, सोशल मीडिया पर ही मैं ढूंढती थी, अक्सर मैं देखती थी तो वेबसाइटें निकलती थी बाहर की, आउट ऑफ कंट्री की, जहां से मंगवाना थोड़ा मुश्किल होता था। फिर एक मेरे सामने कराची का आ गया गोदाम, उनके पास ये मैट्रेस अवेलेबल थे, उनका नंबर था, वहां से मैंने निकाला, फिर उनके साथ मैंने बातचीत की, फिर 1-2 दिन हमारी डील चलती रही। फिर फाइनली मैंने सोचा कि मैंने कैसे मंगवाने, क्योंकि वो कह रहे थे कि पेमेंट कर दे, मैट्रेस भेजेंगे। मैंने कहा नहीं भाई,
ऑन डिलीवरी पेमेंट करूंगी। उन्होंने कहा कि ऐसे नहीं होगा। खैर फिर हमने कराची में कोई अपने तलक वाले ढूंढे, यहाँ से हमारे 20 साल से मेरा भाई बना हुआ बाबर भाई, वो पिंडी से गाड़ी जाता है कराची ना, तकरीबन 1-2 दिन बाद उसका चक्कर लगता है। खैर उसके साथ मैंने रब्ता किया, उसने कहा मैं ले आऊंगा। फिर उस बंदे को मैंने बोला, मैंने कहा फैसल मूवर पे जाओ उधर कराची में, तो वहां जाके उसको ये दे दो और वो आपको पेमेंट कर देगा। तो जैसे वो उसके पास लेके पहुंचा, उसने ये चेक किया, उसे बस थैली पैक ही था अभी। खैर उसने मुझे ये चेक करवाए थे जब उसके गोदाम में थे ना, उसके बाद फिर मैंने बाबर भाई को कहा कि आप ले लो, और उनको हमने इधर से पेमेंट सेंड कर दी। तो जैसे ही ये इधर पिंडी पहुंचे, मतलब शाम 6 बजे वो दे के गए थे, तो अगले दिन शाम 6 बजे गाड़ी यहाँ आ चुकी थी, क्योंकि अभी फोक पार्टी है ना, थोड़ी लेट होगी, वैसे तो वो 12 बजे पहुंच जाते हैं। तो बस समझ लिया कि 1.5 दिन में मैट्रेस हमारे जो हमारे पास हमारे घर पहुंच गए, और ये वाला जो है ये 15,000 में पड़ा है डबल बेड। कहीं पे भी आप जाओ आपको डबल बेड इतने में नहीं मिलता, 15,000 में आपको डबल बेड का मैट्रेस भी नहीं मिलता। मेरा 1,00,000 रुपए का मैट्रेस है जो मेरा उस बेड के ऊपर पड़ा हुआ, ठीक है। तो 15,000 में डबल बेड, और ये मुझे उनसे अच्छा लग रहा है ये चीजें ना, ये हवा वाले, ये बहुत मजे का है, अगर घर में भी यूज हो सकता है इतना, ये बहुत कंफर्टेबल है। अगर किसी के पास, मैं कहती हूँ रेंट का घर है ना, तो ये सामान खरीदने से बेहतर है वो ये वाला ले ले। मैं उनको ये कहूंगी कि वो ये वाला ले ले 15,000 का लेके, अगर उनका साल 6 महीने भी निकल जाते हैं तो बहुत बढ़िया है भाई। साल तो लकड़ी की चीजें आजकल जो ये प्लाई लगाते हैं ना, तो साल वो भी नहीं निकालती, कहीं पे भी पानी लग जाए ना वो पूरे का पूरा बेड आपका खराब हो जाता है, ठीक है। और वो वाले हमें 8,000 में पड़े हैं दोनों जो सिंगल बेड है, एक अभी उधर ही पड़ा हुआ है, दो ही हमने खोले, बस हवा निकालना है सिंपल, आपने वहां से उसको जिसका मुंह उसको खोल देना है तो हवा सारी बाहर, ये देखो जो सामने बना हुआ ना हवा इसकी निकल जाएगी। तो बहुत मजे का, बहुत जबरदस्त है। अब आगे आपको जो है ना बहुत मजे मजे के हमारे व्लॉग मिलने वाले हैं। पप्पू कैमरा मैन, ये मेरा मैनेजर, खाना पकाना बर्तन धोने वाली टीम आ रही है। मेरी बहन को मैंने कहा कि आपने जाना है कि नहीं, कहती चली जाओगी उसे भांडे किन्ने धोने ने, मैं कहा जबरदस्त जानी, तेन पहले ही पता है कि तेरा केड़ा काम है। तो वो हंस रही थी ना, मतलब मुझे वो कहते हैं कि तुम नीचे उठ बैठ नहीं सकती, तो भाई मैं अकेली तो कैंपिंग कर नहीं सकती, जैसे कि आप सबको पता ही, ये हवा भरना, सामान गाड़ी से निकालना रखना, एक जना लाजमी मेरे साथ होना चाहिए। अगर पप्पू हो तो हम दोनों कर सकते हैं, क्यों पप्पू, मैं बैठ जाऊं, पप्पू चीजें पकड़ाए, मैं खाना बनाऊं पकाऊं, रोटी शोटी मैट्रेस में पप्पू और मैं हवा भरे, तो फुफो भतीजा सो जाए, और नहीं जीम भी हाँ जीम, छोटी छोटी चीजें जीम पकड़ाएगा, ऐसे ही है ना, खाना डाल के दूंगी जीम, फिर मुझे पकड़ाएगा, फिर जीम अपना खाना ना, घर में भी ऐसे ही करता है। ऊपर हो जा, ऐसे हो जा, और जल्दी आगे व्यूअर्स को दिखा जरा, आया आया, अच्छा लग रहा, मजा आ रहा है, क्यों जीम सच्ची ज्यादा नहीं इंज करना, मेरा फट गया तो फिर अजय तो मैं सुती भी नहीं, बता कैसा लग रहा है, बोड़ा दांत टूट गया जीम का, तो दिखा जरा, दिखा कौन सा टूटा है। सबको उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा व्लॉग भी, और इन मैट्रेस का रिव्यू भी, हमने कोई प्रमोशन नहीं की, हमने अपने खरीदे हैं, हमने सोचा अपने व्यूअर्स को हम दिखाएं और बताएं। ये लेके हम जाने वाले बस बहुत जल्दी, और आप सब अपने कमेंट्स में जरूर बताना कि आप कौन सा एरिया चाहते हैं, हम किस एरिया को एक्सप्लोर करें। नरान का गान तो बंद हो गया है, पीछे रह गया है कलाम वगैरह, मालम जब्बा वगैरह, और दूसरा कौन सा बता रही थी, मालम जब्बा वगैरह, हाँ कश्मीर है, इन जगहों में भी नॉर्थन एरिया में हम जा सकते हैं। आप लोग चीचावतनी चले जाओ, चीचावतनी भी हम चले जाएंगे, तो आप लोगों ने बताना कि हम कहाँ जाएं, उस एरिया में जाके हम कैंपिंग करें। हाँ, कैंपिंग के लिए सबसे बेस्ट, सबसे जो बहुत जरूरी आपको चाहिए होता है वो होता है वॉशरूम, ताकि आपको कभी कोई इमरजेंसी में कोई भी सूसू वूसू आ गया सीन जैसे बच्चे को, तो ये तो बाहर ही कर लेगा, इस जैसे बच्चे को आ गया तो क्या होगा, तो उसके लिए भी हमने इंतजाम पूरा कर लिया है, वो भी आप लोगों को नेक्स्ट किसी भी वीडियो में हम दिखाने वाले हैं कि हमने वॉशरूम का क्या करना है। और आप लोग भी देखेंगे कि वाकई ही बेबो ने कैंपिंग का फुल जो है इंतजाम कर लिया है, और अब हम करेंगे वो भी आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। तो अभी दे इजाजत, चलो सीधे हो जाए, इजाजत लेनी है मैनेजर साहब, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। तो अभी हवा निकल रही है, हमने उसको ओपन कर दिया, ये देखें ये बीच में जा रहे हैं, हवा निकल रही है, दरमियान से नीवा हो गया, आज़ीम कैसा लग रहा है, मजा
मजा आ रहा है। तो हवा वाला हमने ओपन कर दिया, अभी इसकी हवा निकली लास्ट पे, ये देखें अब हवा भी तो निकालनी ना, ये ऊपर लेटे रहेंगे जल्दी निकले। ओए थल्ले के जीम के जीम, आप गिरने लगे हो? नहीं गिरेगा।